Hello friends, good morning and welcome to the new episode of IMKVS. हम जा रहे हैं अजमेर दिव्या की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने. दिव्या मेरी कॉलेज फ्रेंड थी MBA के टाइम, तो मैं एंड आपका फेवरेट करण, हम दोनों दिव्या की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए. आज हम जाएंगे जयपुर, वहाँ रुकेंगे, थोड़ा बहुत जयपुर घूमेंगे, पूरा नहीं घूम पाएंगे, रात को रेस्ट करेंगे और कल हम जाएंगे अजमेर. सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गया हूँ. अब हम आपको करण से मिलाते हैं. अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे. और सबसे ज़रूरी काम फर्स्ट, चलिए मत्था टेकते हैं बाबा जी के पास. बाय. सो गाइस, अब हम फाइनली निकल रहे हैं जयपुर के लिए. चलो चलते हैं. सो गाइस, हमारी ट्रिप फाइनली स्टार्ट हो गई है. गाइस, हमने फाइनली मास्क लगा लिए हैं क्योंकि हम दिल्ली पहुंच चुके हैं. कोविड केसेस वापस बढ़ रहे हैं तो दिल्ली में रिस्ट्रिक्शन वापस स्टार्ट हो गई है, मास्क लगाना कंपलसरी है. मैं कह रहा था अभी ना हम हाईवे में चल रहे थे, ट्रैफिक की वजह से मैं भी एक घंटा एक्स्ट्रा दिखाने लग गया. भाई ने दूसरा रास्ता देखा था तो लेफ्ट ले लिया और ये कब गली से जा रहा है. सो बेसिकली मेरा कंसेप्ट ये था, अभी हम जा रहे हैं जयपुर, यहाँ पर ना एक रोड पड़ती है जो हाईवे, कुछ ऐसा रास्ता है मोस्ट हॉन्टेड रोड इन इंडिया और वर्ल्ड समथिंग लाइक दैट. और ये हमारे मतलब रास्ते में भांगड़ पड़ता है. सो ऐसा ना होगी मतलब ना हो कि हम भांगड़ के बीच में चले जाए. भांगड़ के बारे में आपने सुना होगा, मोस्ट हॉन्टेड स्टोरीज होती है वहां पर, और वहां जाके हमारी गाड़ी बंद पड़ जाए, वहां जाके हमारे फोन स्विच ऑफ हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है. इट्स अ लाइफ. तो भैया बोल रहे हैं, क्या बोला आपने? क्यों डराना है बेफालतू में. ऐसा जस्ट गो विद द फ्लो बेबी, एंजॉय करो. अच्छा रास्ता है, अच्छा मूड है, एम्बियंस बढ़िया है, ड्राइव चल रही है. हम दो भाई वैसे फर्स्ट टाइम लॉन्ग ड्राइव में आए हैं ऐसे, आई गेस तो बहुत सेक्सी होने वाला है सीन. व्लॉग एंड तक देखना. भाई पहली बार व्लॉग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वीडियो बना रहा है, ट्रेवल व्लॉग है, एंजॉय का है, फुल टोस एंजॉय करेंगे, ऐश करेंगे. क्यों बुआ? मनोज तेरे को मिस कर रहे हैं, तू भी होता तो तेरे को भी साथ लेके चलते. चलो दोस्तों मिलते हैं.
आ गए हैं। रास्ता बहुत अमेजिंग था, पता नहीं हम कहाँ से निकल के आए हैं, पर बहुत ही अमेजिंग रास्ता था। चलिए सो गाइस, हम मिडवे आ चुके हैं, बस 2 घंटे का रास्ता और रह गया और 2 घंटे बाद हम होंगे जयपुर। सो अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने स्टारबक्स। चले Okay. So first we smell the kombu first, because for no additive price of thousands of aroma. And all time additive had only 4 tastes, so sweet, salty and bitter. So we smell the kombu first. So we think that we did wrong. Okay. So cheers dosto, abhi hum ruke the Starbucks, Jaipur se 135 km ki duri mein. Aur wahan par स्टाफ काफ़ी अच्छा था। और स्टारबक्स के ना तीन नई ड्रिंक आई हैं, जो समर प्लेजर करके है, राइट। और काफ़ी अच्छा था टेस्ट में, मतलब ये हर विंटर समर कुछ न्यू लॉन्च करते रहते हैं, और उन्होंने थोड़ी अपनी इंडक्शन ट्रेनिंग एंड इन सब के बारे में बताया, स्टोरी सुनाई, गाइडेंस दी, जो ब्राज़ील की मेन इनकी स्टोरी है, जिस ब्राज़ील बेस में स्टोरी है उनके बारे में बताया। इन्होंने हमें डेमो दिया कि कैसे कॉफ़ी ओरिजिनेट हुई और उसके प्रोसेस क्या होते हैं, टेस्ट करने का प्रोसेस है, ब्रू करने के प्रोसेस क्या होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं कॉफ़ी आपको एक पास पहुंचने तक, और आपको कैसे उसे टेस्ट करनी चाहिए, काफ़ी कुछ मतलब इंटरेस्टिंग था सीन। चलो दोस्तों, सोचा ये शेयर कर दूँ आपको, इंजॉय। तो फ्रेंड्स, हम लोग लंच करने के बाद निकल चुके हैं। हमने स्टारबक्स में लंच किया था और बहुत ही अच्छा था। और हम रास्ते में हैं, हम ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रहे हैं, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 की स्पीड में चला रहे हैं, 80 किलोमीटर पर आवर। कुछ लोग होते हैं 2.5 घंटे 3 घंटे में वो दिल्ली से जयपुर पहुँचा देते हैं, बट हमें कोई जल्दी नहीं है, हम धीरे से आराम से रास्ता इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, साइड का व्यू लेते हुए जा रहे हैं और पूरा आराम से थार का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। चलो आगे मिलते हैं। फ्रेंड्स, आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, दैट जर्नी इज मोर ब्यूटिफुल देन द डेस्टिनेशन। द थिंग इज, हम सुबह लेट उठे तो हम लेट निकले हैं और हम पहुँचेंगे 5:30 बजे जयपुर। जयपुर तो हम ज़्यादा नहीं घूम पाएंगे, बट मेरे को वहाँ पे एक जगह तो ज़रूर जाना है, हवा महल देखने जाना है और वहाँ पर फ़ोटो लेनी है, वो तो मस्त है, तो वहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे चाहे जितना भी लेट हो। बाकी वी हैव टुडे और टुमारो टिल आफ्टरनून हम लोग जयपुर में हैं, फिर हम निकलेंगे अजमेर के लिए, तो देखते हैं हम कितना जयपुर एक्सप्लोर कर पाते हैं। बाकी हम लेट हो गए थे क्योंकि हम सोते रह गए, सोना नींद भी बहुत ज़रूरी है, तो हमने पूरा अच्छे से रेस्ट कर लिया है और हम पूरा रास्ता इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा है, समथिंग डिफरेंट देन द रेगुलर लाइफ। सो ऑफिस से हट के आज कुछ नया कर रहे हैं, तो रोड में अलग ही मज़ा है। चलो तो मिलते हैं हवा महल में। दोस्तों यार, यहाँ जो व्यू आ रहा है ना, नेक्स्ट लेवल है, मतलब अगर आप देखोगे थार का एक तो व्यू पॉइंट, मतलब
जो सीटिंग पोजीशन है उससे ऊपर से माउंटेन्स और ये थोड़ा जंगली राख ग्रीनरी एरिया मज़ेदार है क्यों भाई। हाँ भाई बहुत ज़्यादा। अभी हम मुड़ रहे थे और इतना अच्छा व्यू था, सामने से क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे और कुछ भी नहीं दिख रहा था, बहुत ही अमेजिंग सुपर सेक्सी। कसम से बहुत तगड़ा, अभी अभी आपको दिखाता हूँ, ये एमिडियन है और मैं भी एक एमिडियन ही हूँ। एमिडी यूनिवर्सिटी राइट साइड में है, जयपुर एकदम सीधा सीधा 40 किलोमीटर है यहाँ से जयपुर। एमिडी यूनिवर्सिटी सामने माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, सी क्या व्यू है। Pink City, Jaipur.